तो निम्रा अपने घर से भूखी आई थी, उनको घर वाले खाना नहीं देते थे, इसलिए हमने अपने घर में उनको खाना खिलाया है। मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे मामा ने मुझे वाकई कुछ नहीं दिया खाने के लिए। मैंने अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का थंबनेल देखकर आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि मेरा व्लॉग आज किस चीज़ से रिलेटेड है। तो जी, मेरा आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि आज हमारे सैलून पर आ रही हैं निम्रा अली। उनके साथ हमारा एक छोटा सा ब्राइडल शूट है, सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे क्लिप्स बना के शेयर करूँ और जो कुछ हमने किया, जितना इन्जॉय किया, वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले आपको एक काम करना है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे सैलून में निम्रा अली आएंगी और ये देखें, वो बैठी हुई है। इनका हमने मेकअप शूट सब कुछ कर लिया है, बीच में कुछ क्लिप्स बनाई हैं लेकिन वो दूसरे वाले यूट्यूब चैनल पे हैं, तो आप वहाँ जाके पूरा मेकअप लोग इनका देखेगा। और इन सब बहुत 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 मज़ा है, बहुत अच्छी हैं, बहुत नाइस हैं, ज़रा भी ज़रा भी एटीट्यूड नहीं, बहुत अच्छी है। देखिए मैं ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ, तो फिर काली लग रही हूँ मेरी, लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी प्यारी हूँ। मैं बोल रही हूँ, मुझे पता है मैं बोल रही हूँ, मैं खीरा खा रही हूँ। आप लोग भी खाएंगे क्योंकि खीरे से स्किन अच्छी होती है। और रही बात इसकी और सैलून की, इनकी मामा इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है, इतनी स्वीट है, बिल्कुल मेरी मामा की तरह, बिल्कुल मेरी मामा की तरह। जैसे मेरी मामा मेरे साथ डील करती है उसी तरह आंटी मुझसे मिली। जब मैं एंटर हुई तो मुझे वो सबसे अच्छा पार्ट लगा था कि जब आंटी मेरे से गले मिल रही थी। बहुत स्वीट है आंटी और बहुत अच्छा मेकअप भी इन्होंने मुझे किया, और माशाल्लाह मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत भी लग रही थी। जितने भी मेकअप का टिप्स हैं, कोई भी जो भी हमारा ट्यूटोरियल है, वो पूरा सिग्नेचर सैलून स्पा के पेज पर आएगा, तो आप जो है वो देख लीजिएगा और इसके व्लॉग्स भी देख लिया करें। बेशक इसको नहीं आते बनाने, लेकिन मैंने इसको उठाया कि आए मेरे साथ चले। अरे इसलिए नहीं उठाना, ये डंगर ये खाना भी दिखाना जरूरी था, ये चिकन खाया था। अब मैंने रोटी चोटी खा ली है, ठीक है, अब मैं सलाद खा ली। इस देखा मैंने आपको क्या कहा था, इनके घर वाले इनको खाना नहीं देते इसलिए हमने खाना दिया, लेकिन नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। ये खुद अपने घर का खाना खा के राशन मुका के देख नहीं रहे कितनी मोटी हो गई है। मैं मोटी हूँ ही नहीं, वैसे ही लग रहा है, थोड़ा सा मुंह थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन वैसे मैं बहुत पतली हूँ। अगर मैं आपको अपना फूल पत्ती खा ली, चले बस करे, अब बस मुझे पता किस बात पे हंसी आई है, मुझे पता चल के किस बात पे आई, चुप रहना है अभी। अभी तीन चार बंदे लगे हुए मुझे चमकाने में। वैसे तो मैंने सोचा था मैं यूनिवर्सिटी जब जाऊंगी ना तब जो है वो मैंने बड़ी करवाऊंगी, लेकिन अब यूनिवर्सिटी में भी मेरे 10 दिन है और मैंने जाना है कश्मीर 4 दिन बाद, तो मैंने कहा चलो करवा लेते हैं। वैसे मेरा कोई इरादा नहीं था। इतना बिल्कुल फजर की मम्मा जितन मार के उठाते उठो, नहीं नहीं फजर की नमाज पढ़ने, फजर की नमाज पढ़ने का रीजन ये है कि मैं ना जागती हूँ ना वीडियो एडिट करने के लिए, कोई भी मुझे काम धंधा हो ना तो मैं उसके लिए जागती हूँ कोई 4 बजे तक ना, तो जब 4 बजे अजान हो और मैं सो जाऊँ तो मेरे अंदर ना मुझे कुछ आने लग जाता है कि यार ना तू फोन यूज करने के लिए इतनी देर तक जाग रही थी, तो तू नमाज के लिए भी मजीद जाग सकती है। तो फिर मैं खुद को पुश करती हूँ कि नहीं नमाज से पढ़े हुए, और मैं लाजमी नमाज पढ़ती हूँ फजर की, तो मेरी तो मैं लाजमी पढ़ती हूँ ना। और एक रीजन फजर की नमाज पढ़ने का ये भी है कि कहते हैं फजर की नमाज पढ़ने से नूर आता है। ना बोलती हूँ तो ना, जब मैं कहीं बाहर जाती हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं घर पर नॉर्मल होती हूँ, बाहर ही मैं इतना ज्यादा बोलती हूँ। तो जब मेरे साथ मेरी मामा और मैं इतना बोलूँ ना तो लोग मुझे कहते, मेरे से नहीं मेरे मामा से पूछते हैं, और ये बचपन से ही ऐसी है या वायरल होने के बाद से ही ऐसी है? मेरी मामा कहती है ये पैदा ही पागल हुई थी। अरे लोगों की माएँ होती हैं, मेरी बेटी बहुत अच्छी है, मेरा बेटा ऐसे अच्छा है, मेरे बच्चे लायक है। हमारी माए पता नहीं कौन सी दुनिया में आई है। जैसा कि आपने इनके मुंह से खुद सुन लिया कि वो अपने आप को पागल कह रही है, इसका मतलब कोई शक नहीं है। नहीं, मेरी मामा कहती है, और बोलती तो ये बहुत ज्यादा पागल नहीं है। मैं कैमरा करो, मैं पागल नहीं हूँ, मेरा तो दिमाग खराब है, लेकिन बोलती की बहुत ज्यादा है, लेकिन मजा बहुत आता है। कोई मतलब होता है सर में दर्द होती है, सर में दर्द नहीं होता, मजा आता है। मेरी मामा के सर में बहुत दर्द होती है, मेरी मामा कहती है जिधर तू गाल करनी मेरे 2 पैनल हो गए गोलियां भी करना। नहीं वैसे अभी तक हमारे सर में दर्द नहीं है, तो मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। लोगों ने पता नहीं क्या समझा रहा है, कमर में दर्द पैनाडोल, सर में दर्द पैनाडोल, आंखों में दर्द पैनाडोल, पेट में दर्द पैनाडोल, उंगली में दर्द पैनाडोल, टांग में दर्द पैनाडोल। अबे मौसम नहीं आ रहा तो पैनाडोल चीज, पैनाडोल पैनाडोल पैनाडोल। मैं तो तंग आ गई, यही बिल्कुल लगती है जब बोलती हूं अपनी मामा को, बता देना। सुन रहे हो अम्मी जी, इसकी काट दी।
तो अब निम्रा का शूट कंप्लीट हो गया, उनकी सर्विसेज भी कंप्लीट हो गई हैं। आप मुझे बताओ कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैंने वैसे भी अपना रिव्यू दे दिया, लेकिन मैं यहाँ पर भी अपना रिव्यू दूंगी कि मेरा बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे एक फैमिली के, मैं अपनी फैमिली में एक शूट करवाने आई हूँ, बहुत अच्छा था। मेकअप आपने देखा कि बहुत अच्छा हुआ था। अब मैंने अपनी मतलब जो सर्विसेज करवानी थी, मैनीक्योर पेडीक्योर स्किन का क्लिनजिंग हेयर वॉश सब कुछ बहुत अच्छा था।